आज हम मिर्ची वड़ा बनाएंगे। उसके लिए मैं ये आटा लगा रही हूँ। बेक मिर्ची वड़ा है ये। इसमें मैंने 1.5 कप आटा लिया है व्हीट फ्लोर, और 1.5 कप जवारी का आटा लिया है चोरगम फ्लोर, और ये 1.5 चम्मच ईस्ट है। एक और टी स्पून 1.5 टी स्पून नमक है, 1 टी स्पून जितनी शक्कर है, 2 चम्मच तेल डालेंगे 2 टी स्पून, इसको अच्छे से मिक्स करके वार्म वाटर से ये आटा लगा लेंगे। इसमें 1.5 कप जितना वार्म वाटर लगेगा। आटा मीडियम लगाना है, ना सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट भी नहीं लगाना है, बहुत हार्ड भी नहीं। इस तरह से ये आटा तैयार हो गया है। इसको ग्रीस करेंगे। ग्रीस करके इसको आधा घंटा 1 घंटे के लिए रख देंगे। हम मिर्ची की स्टफिंग बनाएंगे जो पोहा और प्याज से है। पोहा को पोहे के इस तरह से बनाएंगे। गैस ऑन कर दिया मैंने। ये पैन में 1 टीस्पून जितना तेल डालेंगे इसमें। थोड़ा सा जीरा डालेंगे। इस तरह से इसमें जीरे के बाद अदरक और लहसुन डालेंगे, बारीक कटी हुई, दोनों 1-1 चम्मच है। इसे थोड़ा सा भून लेंगे। इसमें मैंने ये 1 कप जितनी प्याज काट के रखी है बारीक, ये डालेंगे। क्योंकि हम प्याज और पोहा से बना रहे हैं स्टफिंग। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है मिर्ची वड़े की तरह। इस तरह से ये प्याज सीख गई है। अब इसमें मसाले डालेंगे। 1 कप जितना पोहा मैंने भिगा कर रखा है, 1 टी स्पून हल्दी, 1 टी स्पून सॉल्ट, 1 चम्मच जितनी लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और 1 टी स्पून धनिया पाउडर। दाल से इसको मिला लेंगे इस तरह से। इसमें ये 1/2 कप जितना दूध डाल देंगे। मैंने आमंड मिल्क लिया है, आप प्लेन दूध भी यूज कर सकते हैं।
दूध इसलिए डालते हैं कि मसाले पक जाएं, क्योंकि तेल बहुत कम है इसमें। और ये एक कप जितना पोहा है ये डाल देंगे। ये एक चम्मच नींबू का रस है और एक चम्मच शक्कर है। ये मूंगफली को मैंने थोड़ा मोटा मोटा पीस के रखा, ये डालेंगे, इससे इसमें बहुत क्रंची आएगा। आधा कप जितना है। इस तरह से आप पोहा बनाकर भी खा सकते हैं। इस तरह से हमारी ये स्टफिंग तैयार है। इसमें मैंने धनिया पाउडर डाल दिया, कटा हुआ हरा धनिया डाला है, जिससे बहुत ही अच्छा लगता है और टेस्ट भी अच्छा आता है फ्रेश धनिया का। इस तरह से ये पोहा रेडी कर लिया था और इसमें इस तरह से ये मिर्ची स्टफिंग करेंगे। थोड़ी मिर्ची मैंने यहाँ स्टफिंग करके रखी है। मिर्ची को इस तरह से काट के अंदर से इसको हॉलो कर लेंगे। इस तरह से ये निकल जाएगा, इसका हॉलो हो गई है। इसमें अच्छे से पोहा स्टफ कर लीजिए, जिससे इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। इसको इस तरह से मिर्ची स्टफ करके आप इस तरह से भी थोड़ा सा रोस्ट करके खाली ये भी खा सकते हैं। इस तरह से ये मिर्ची स्टफ तैयार है। अब हम इसके ऊपर का फिलिंग रोलिंग तैयार करेंगे। इस तरह से हमारा ये डो तैयार हो गया है। इसको अच्छे से मलारा देके अच्छा मलारा देना है तो ये सॉफ्ट बनेगी। इस तरह से ये तैयार हो गई है। इतना आटा लेके इसको रोल कर लेंगे। अच्छा पतला रोल कर लीजिए। इस तरह से ये रोल कर लिए। इसको पतली स्ट्रिप्स में काट लेंगे। ये मिर्ची लेंगे, इस तरह से ये मिर्ची को रोल कर लेंगे।
इस तरह से इसको सब रोल कर लेंगे। इसको थोड़ा सा किनारे पे पानी लगा के इसको ऐसे चिपका लेंगे। इस तरह से ये हमारी मिर्ची की स्टफिंग के साथ में ये रोल तैयार है। इसके ऊपर हम ऐसे बटर लगा देंगे। बटर में मैंने चिली फ्लेक्स, ओरिगेनो और गार्लिक पाउडर डाला है। आप और भी जो कोई हर्ब डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। इस तरह से हमारी ये मिर्ची बेक स्टफ मिर्ची तैयार हो गई है। इसको छोटा छोटा ऐसे काट लेंगे। इस तरह से हमारी ये स्टफ मिर्ची तैयार हो गई है, बेक स्टफ मिर्ची जो बहुत ही यम्मी है। प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए और सब्सक्राइब करिए।